डैड, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप अलग से रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और बिंदु के लिए भी। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, यह सब मेरे दोस्त हैं, कप्पे मारेंगे, मस्त रहेंगे। तू बहू का ख्याल रख, पूरी उम्र तो तुझे उसी के साथ गुजारनी है। मैं और कितना रहूंगा। तो क्या मैं अंदर तक आऊं? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। डैड, डैड, आई एम गेटिंग वेरी लेट, ओके? कभी वक्त मिले तो मिलके जाना बेटा। मैंने एक कमरे के मकान में चार बच्चों को पाला और आज उनके चार मकानों में बाप के लिए एक कमरा नहीं। दो घंटे लगा दिए ये बात बताने को। और इसमें नई बात क्या है? ये तो घर घर की कहानी है लाले। रोता कैसा है छोकरी के जैसा? सब बुड्ढे अगर ऐसे आंसू बहाने लगे ना तो देश की पानी की समस्या हल हो जाएगी। ये बुड्ढा बहुत खिटखिट करेगा, इसको कोने वाला कमरा दे दो यार। अरे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है। वो इसलिए क्योंकि सेकंड इनिंग्स हाउस में सीरियस बातें करना मना है। सेकंड इनिंग्स हाउस? देखा आत्माराम, हम सबने जिंदगी की फर्स्ट इनिंग्स रोजी रोटी की भागम भाग में काट ली। अब सेकंड इनिंग्स में या तो किट किट करके मरो या जीने की वजह ढूंढ लो। मैं एक बार हवाई जहाज में उड़ना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले एक बार लाहौर जाना चाहता हूँ, अपना वो घर, अपनी वो गलियां देखना चाहता हूँ। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मरने से पहले अपना फोटो कैसेट कवर पे देखना चाहता हूँ। और मैं मरने से पहले फिर एक बार शादी करना चाहता हूँ। शादी? इस उम्र में बैटिंग होगी तुझसे? नेट प्रैक्टिस करता रहता हूँ आत्माराम। दादू, मैंने आपके दोस्तों के विचारों की शुद्धि के लिए संडे को एक प्रोफेसर का इंतजाम किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो आप सबको गांधी जी पे प्रवचन देंगे। यू ऑल नीड इट। भाई तुम टेंशन मत लो भाई, वो प्रोफेसर लोग है ना, पावती बनाएंगे या हाथ पे चिपकाएंगे, टांग पे चिपकाएंगे, जेब में डालेंगे, अंडरवेयर में डालेंगे, डाल के लेके जाने का। अंडरवेयर में डालेंगे? वो मामू लोग सवाल पूछेंगे, मैं अंडरवेयर में हाथ डाल के पावती निकाल के पढ़ के जवाब दूंगा। क्या बोल रहा है तू यार? अजीब दिखे ना, अंडरवेयर में हाथ डाल रहा है बार बार। फोन पे बिठाएंगे भाई, फोन पे बिठाएंगे। वो अंकल वहाँ पे सवाल पूछेगा ना तो बोलेगा बॉस कट मार के आने का है, बाथरूम में जाके अपने को फोन लगाने का, प्रोफेसर लोग जवाब देगा। हाँ, अरे कितनी बार जाऊंगा बाथरूम, ये फोन वोन से नहीं चलने वाला। भाई फिर तो एक ही तरकीब है। और कोई रास्ता नहीं है क्या भाई? वो दूसरा रेडियो स्टेशन है ना, वहां पे एक आइटम है, अनुपमा चोपड़ा, उससे मिलो भाई। दिन भर है ना वो शाहरुख खान की बात करती रहती, उसके बुड्ढे लोग ना गारंटीड, मैं बोलता हूँ दिलीप कुमार के फैन है, उन लोग आपको संभालेंगे भाई। हाँ ये बकवास बंद कर यार, सोचने देना मेरे को। भाई फिर तो कोई रास्ता नहीं अपने पास, 5 दिन है, बापू के बारे में जितना पढ़ सकता है पढ़ लो। ठीक है चलता हूँ। ठीक है भाई। भाई क्या कर रहा है? पढ़ाई में ध्यान दो भाई, धंधा में संभालेगा ना, टेंशन नहीं है। इधर बे, तुम जाओ भाई। हेलो, कोई है? नमस्कार, मैं हरिराम, आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? बोले तो इधर बापू के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या? क्या हुआ? बरसों बाद कोई यहां आया है, बड़ी खुशी हो रही है। गांधी जी के ऊपर लिखी गई हर किताब तुम्हें यहां मिल जाएगी, निश्चिंत होकर के पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूं। साला इधर सब जड़ा जड़ा किताब है,
गांधी। देखो अंकल, 3 नाइट से अपुन सोएला नहीं, खाली पीली दिमाग खराब किया ना। तो खाली पीली क्या करोगे? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ अंकल, पढ़ाई करने दे, नहीं तो क्या करोगे? मारोगे? तुम दाएं गाल पे मारोगे तो मैं बायां गाल आगे कर दूंगा प्रोफेसर साहब। ये प्रोफेसर वाला बात तुमको किसने बोला? हेलो चाय। दे वो फैंसी ड्रेस को और बोल चुप बैठने के लिए। किसको? अरे बापू के डुप्लीकेट को। अरे किधर? अरे उधर, दिखता नहीं क्या? सब एड़े आते हैं इधर। कौन हो तुम? तुम चाहो तो मुझे प्यार से बापू बुला सकते हो। टच नहीं करने का। डरो मत भाई, मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बॉस, इधर कुछ लफड़ा है। तुम कोई आत्मा तो नहीं है ना? आत्मा नहीं, चेतना कह सकते हो। अपुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाप? बाप नहीं, बापू। बहुत प्यार करते हो ना जानवी से, रविवार को उसके घर जा रहे हो। तुमको कैसे मालूम? हरिराम! डरो मत बेटा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हरिराम! अगर तुम डर रहे हो तो मैं चाहता हूँ जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगा। हरिराम! क्या हुआ बेटा? देखो उधर कोई है। कौन है? हलुसिनेशन हो गया है। कई बार दिमागी थकान या केमिकल इंबैलेंस से आवाजें सुनाई देती है, ऐसी चीजें दिखाई देती है जो रियल में है नहीं। That's hallucinations. अरे अपुन को क्लियर दिखा, महात्मा गांधी खड़े थे उधर। अपुन तो बोलता है कि वो बापू की आत्मा थी। अगर आत्मा होती तो उस चाय वाले को भी दिखती, सिर्फ तुम्हें क्यों दिखी? अरे ये तो आत्मा के मूड के ऊपर है ना यार, सबको थोड़ी दिखेगी। आप 3 रातों से बिना सोए बिना खाए पिए सिर्फ गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए एक थका हुआ दिमाग आपको गांधी जी ही दिखा रहा है। तेरे बोलने का क्या मतलब है? अपुन की सट्टा के लिए? डोंट वरी, ये दवाई ले लेना। ओके okay? एक मिनट देख, बापू ने अपुन को बोला कि अगर दिल से याद करेगा ना तो वो आएगा। अपुन ट्राई करता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कैसे हो मुरली प्रसाद? ये टच नहीं करने का। डरो मत बेटा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये देख बापू, अब बोल अपुन येड़ा है। वहाँ कोई नहीं है मिस्टर शर्मा। अरे बापू अपुन को क्लियर दिखता है। सिर्फ आपके दिमाग में है ये सर्किट, तेरे को दिखता है ना बापू? हेलो बापू, लास्ट टाइम तुमने क्या एंट्री मारा मालूम क्या? अपना भाई डर गया। अपना भाई वैसे डरता नहीं है। अच्छा चलो, वो टाइट कर दिया भाई ने। ये सर्किट? हाँ भाई, इधर है बापू। पानी दे रहा था भाई। बापू पानी, चाय ठंडा पीना मंगाऊ क्या? ये क्या तमाशा है? डोंट रीइंफोर्स दिस हैलुसिनेशन। तेरी तो ये दूं क्या रख के? भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है। आज भाई तेरे को दिन में तारी दिखाता हूँ, रियल में है नहीं पर दिखेंगे। बोले तो हेलुसिनेशन। भाई भाई भाई, ए इधर इधर भाई, तुम बैठो ना बापू के साथ, टेंशन है। चल भाई, मुझे संभालता है इसको। तेरी तो साले मेंटल हॉस्पिटल, क्या मशवर कर रहा है अपने को मालूम है बापू नहीं क्या? अरे बार बार बोल के भाई का दिमाग क्यों खराब कर रहा है? पागल कर देंगे क्या भाई को? दवाई दे इधर, अपन के लाएगा भाई को। ये सर्किट? हाँ भाई। ये बापू है ना, हाँ, खाली तेरे को मेरे को काय को दिखता है? क्या ना भाई, तुम्हारा विल पावर इतना सॉलिड है ना, किसके लिए वो बुक के बाहर आ गया? वो अलाउद्दीन का चिराग क्या? अपन भी तो गया था, अपन को लेके गया था ना गांधी ग्रंथालय, इसके लिए अपने को भी हलो विलो बोल दिया। टेंशन लेने का भाई, 2-4 दिन यहाँ पे रहेंगे, देश का हालात देखेंगे, वापस चले जाएंगे बुक में। वो कोई टेंशन लेने का भाई, काय को इतना सोचने का? बापू ने अपन को बोला कि वो अपन का हेल्प करने आए ला इधर। वो लकी को मकान खाली करवाने का, उधर भेज दूं क्या? रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सबको सम्मति दे भगवान। कहिए मुरली प्रसाद, मोहनदास आपके लिए क्या कर सकता है? ए बापू, वो क्या है ना बापू, अरे बाटली किधर गई? अपन को तुम्हारा हेल्प मांगता है। अगर किसी को मारना है, किसी को उठाना है, तो ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे कामों में जरा कमजोर हूँ मैं। अरे नहीं बापू, वो सब अपन कर लेगा। वो क्या है ना कि कल तुम अपन के साथ जानवी के घर चलो, ऐसे ही इनविजिबल मिस्टर इंडिया टाइप, वो लोग ना तुम्हारे बारे में हिस्ट्री पूछेगा, तुम हल्लू से अपन के कान में आंसर बोर्ड डालने का। वो क्या है ना बापू, अपना हिस्ट्री थोड़ा वीक है ना। अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। अरे 10 काम करेगा बापू, लेकिन अपुन का ये काम कर दो प्लीज। मेरा काम सुन तो लो। अरे बापू प्रॉमिस बोला ना, जो तुम बोलेगा अपुन करेगा, जबान दे रहा हूँ बापू। मेरा काम इतना आसान नहीं है बापू, या कि मुंबई में अपुन के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तुम्हारा काम हो गया, डन समझ लो। ठीक है, मैं चलता हूँ, याद करना, पहुंच जाऊंगा। ये सर्किट टेंशन खलास, अब दादू को इतिहास के बारे में कुछ भी पूछने दे, इतिहास तो अपुन के साथ जा रहा है। चेस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। प्रोफेसर साहब एक सवाल है मेरा। एक मिनट, सवाल पूछने से पहले हम सब मिलकर बापू को याद करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे पप्पू थैंक यू, अपन को संभाल लेना बस। अरे हो गया, अरे बस करो भाई बस करो, जो भी सवाल पूछना पूछो, बिंदास। बेटा कल यहाँ पार्क में मेरे सामने एक नौजवान ने पत्थर मार के बापू के स्टैचू का हाथ तोड़ दिया और फिर खड़ा खड़ा हंस रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं। सिंपल है, वो नौजवान के घर पे जाने का, उसको वहां से उठाने का, बापू के पुतले के सामने खड़ा करने का, और ये और पत्थर दे के उससे कहना चाहिए कि मेरा पूरा पुतला गिरा दो। ये क्या बोल रहे बापू? जो मैं कहता हूं वो कहो। Are you sure? वो नौजवान के हाथ में पत्थर देने का और बोलने का कि बापू का फुल पुतला गिरा दो। इस देश में मेरे जितने पुतले हैं सबको गिरा दो। ये फुल कंट्री में बापू का जितना भी पुतला है ना, सबको गिरा दो। हा? मेरी हर तस्वीर को दीवार से हटा दो। बापू की जितनी भी तस्वीर दीवार पे लटकी है ना, सबको हटा दो। हर इमारत, हर चौराहे, हर मार्ग जिस पे मेरा नाम लिखा हो मिटा दो। वो क्या है कि हर बिल्डिंग नोट वोट रोड से बापू का नाम निकाल दो। अगर कहीं रख सकते हो तो मुझे अपने दिलों में रखो। अगर बापू को रखने का ही चाहे तो अपने दिल में रखो ना, समझा क्या? इधर रखना मांगता है, हार्ट में। अरे क्या नहीं किया उसने अपुन के लिए, जेल गया, फास्टिंग किया, एक धोती पहन के आखे कंट्री का राउंड मारा, गोली भी खाया इधर इधर, और अपुन ने उसके लिए क्या किया? एक तस्वीर बनाकर दीवार पे लटका दिया और उसके नीचे आराम से रिश्वत लेता है। वो सोचा कि अपुन अपना कंट्री क्या मस्त बनाएगा, एकदम इम्पोर्टेंट जैसा, अपुन ने साला ये कंट्री का वाट लगा दिया। अरे नहीं बेटा, इतना भी बुरा हाल नहीं है, आजकल देश तरक्की कर रहा है। अरे घंटा तरक्की कर रहा है, नल है लेकिन पानी नहीं है, बल्ब लगे है लेकिन बिजली नहीं है, रोड पे गाड़ी कम है खड्डे ज्यादा है, अरे फुटपाथ पे तुम चल नहीं सकता क्योंकि दुकान खड़े है, ट्रेन है लेकिन नाम वेटिंग लिस्ट पे, टिकट कंफर्म होता है तो ट्रेन कैंसिल होता है, अस्पताल जाओ तो बेड खाली नहीं है, बेड मिलेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, अरे कंप्लेन करो तो कोई सुनने वाला नहीं है, नेता के पास जाओ तो बाबू के पास भेजता है, बाबू के पास जाओ तो मीटिंग में, घर पे फोन करो तो बाथरूम में, जब वो मिलेगा तो बोलेगा कि एप्लीकेशन दो, वो भी डुप्लीकेट में, और फिर वो एप्लीकेशन घूमता रहेगा राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड।
आज अगर बापू होता ना तो बोलता कि देश तो अपना हो गया है लेकिन लोग पराए हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए प्रोफेसर, इधर आ। तू उससे प्यार करता है? बोले तो तेरी आंख में दिखता है। अरे आंख में कैसा दिखता है? झूठ मत बोल, तेरी आंख पे तेरा कंट्रोल ही नहीं है। मुंडी इधर बात करती है, आंख उसको देखता है। क्या आप उनकी आंख का थोड़ा प्रॉब्लम है? उसको बोलने को डरता है ना, है ना? मैं भी डरता हूं। बोले तो ये देख, ये टीना है, मेरे साथ कॉलेज में थी। मैं उससे शादी करना चाहता था लेकिन मेरा पापा बोला नॉन पारसी को तू घर में लाएगा तो घर में से तेरे को बाहर निकाल दूंगा। फिर डर के मारे मैंने फिरोजा से शादी कर ली। अभी आफ्टर 50 इयर्स टीना मेरे को मिली। उसका हस्बैंड भी ऑफ हो गया और फिरोजा भी ऊपर चली गई। तो शादी बना डालना? अरे बच्चा लोग बोलता है डैड डोंट एम्बेरेस अस, साला पहले पापा की सुनो फिर बच्चों की सुनो। मेरी भी कुछ लाइफ है कि नहीं? मैं घर छोड़ के सीधा इधर चला आया। हाँ फिर टेंशन क्या है? टीना को आई लव यू कैसे कहूं मेरी समझ में नहीं आता है। वो भी तेरे को आई लव यू करती है क्या? आई थिंक सो। ये देख 50 साल पहले का है। इस साला ये तो यही गाड़ी है। हाँ उस दिन बहुत बारिश पड़ रहा था, अंधेरा था और यही गाड़ी के पीछे की सीट पे मैंने टीना को किस किया था। शर्मा क्यों भाग गई थी? अरे साला कभी गाड़ी का चाबी चाहिए ना तो मांग लेना। Isn't this a lovely car, Murli? हमने इसका नाम किसिंग कार रखा है, पूछो क्यों? तुम लोग को ड्राइव पे जाना हो ना तो हो क्या हो? इतना बड़ा आदमी हो के एक रेडियो के लिए मगज मारी? ए, ए, क्या है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? क्या है? तेरा दुकान बंद कर दूं क्या? तेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दूं? एक गोली इसके अंदर क्या? तू जितनी बार सवाल पूछेगा ना उतनी बार अपन घोड़ा दबाएगा, बोल। लेकिन मेरे को कहां ले जा रहे हो? पूछना पूछना मजा आ रहा है भाई, किधर जाने के? अरे पागल हो गया क्या? सवाल क्यों पूछ रहा है? पूछना, समझ में आना? चले आलम लक्की सिंह ऑफिसर। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये करेक्ट है। ओए फोटो स्टूडियो, नीचे लिख मिस्टर लक्की सिंह प्रेसिडेंट मुंबई बिल्डर एसोसिएशन इन सीरियस टॉकिंग विद मिस्टर जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पर सर जी आप तो कभी अमेरिका गए नहीं। जॉर्ज बुश तो इंडिया आया होगा। एक काम कर, पीछे से व्हाइट हाउस हटा दे, अपनी फार्म हाउस लगा दे। तेरी माँ ने तेरे को कॉमन सेंस नहीं सिखाया था? सर्किट आया है। ए, सर्किट, माय डियर, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है।
तो आजकल मेरा फोन नहीं उठाता है। वो अभी लगाओ ना, उठाएगा। सर किडी आर रॉकिंग। एक बार को साइड ले। हाँ जी। देखिए, देखो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? पिछली बार 8 माली की परमिशन ली थी और 11 माली की बिल्डिंग बना थी। अरे बनते बनते बन गई यार, अपनी गिनती बचपन से ही कमजोर है। मेरी नौकरी जाएगी तुम्हारे इस चक्कर में। छड़ यार तेरी 10,000 की नौकरी। पुराना बिल्डर का नाम सुना है? हाँ। मेरी लड़की का रिश्ता हुआ है वहां, कुकु वो नक्शा दिखा। हाँ जी। ये वर्सोवा पंप हाउस के पीछे जो प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद दी है, सिर्फ ये पीला बंगला नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मैं दिलवा दूंगा, वेडिंग गिफ्ट समझो। वो बंगले पे तो लीज है 99 ईयर्स की, अगले महीने खत्म हो रही है। वो तो रिन्यू हो जाएगी। रिन्यूअल पेपर मत भेज, डिफॉल्ट करवा दे। नहीं 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 होगा। मैं कमिट कर चुका हूं, इज्जत का सवाल है तो बंगला मला पाजी का ढूंढे। जमना नहीं हो। ए वॉलेट है, ए बुलेट है, तू चूज कर। प्राइस बोलना यार। 10। 10? बस तू 20 ले ले यार। ओए 20,000 दे दे कुकू, नए नोट खुश। नहीं नहीं 10,00,000। 30,000। 9,00,000। 31। चलता हूं चलता हूं। ओए तेरे को मैं उठा के लाया हूं, पिस्तौल मेरे हाथ में, वो वहां जो बैठा है दिन में 2-4 हड्डियां तोड़ता है। तोड़े ले। थोड़ा तो डर यार। देखो लकी भाई, ना तेरा ना मेरा, बीच में 5,00,000। ये करेक्ट है, ना तेरा ना मेरा, बीच में 2,50,000। डील इज डन। इसका मुंह मीठा करा दे। हाँ जी। With best compliments. सर्किट, मुन्ना को खुशखबरी दे दे कि बंगला खाली करवाना है। वो है किधर यार? भाई ना उसे बारा काम नहीं करता है, लेट उठता है। भाई सोता किधर है आजकल? लव गले उसको लव। अक्का दिन दरिया किनारे। बड़ा चीप लगता है यार, फ्लैट्स खाली पड़े हैं, यूज इट। अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, उधर बैठ के वो रेडियो सुनता है। रेडियो? रेडियो पे क्या है? अपनी भाभी है रेडियो पे। गुड मॉर्निंग मुंबई, दिस इज जॉनवी ऑन वर्ल्ड स्पेस रेडियो। जाने से पहले ये है मेरा आज का ख्याल, उन सब के लिए जो दौड़े जा रहे हैं शहर में। शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, अगर यही जीना है दोस्तों तो फिर मरना क्या है। पहले बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है, भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है। सीरियल के किरदारों का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है। अब रेत पे नंगे पांव टहलते क्यों नहीं, 108 है चैनल पर दिल बहलते क्यों नहीं। इंटरनेट पे दुनिया से तो टच में है, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। मोबाइल लैंडलाइन सबकी भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहाँ है। कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है, कब जाना था शाम का गुजरना क्या है। तो दोस्तों शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है। सो गुड बाय मुंबई, मेरा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। बाय बाय जानवी, उम्मीद है आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 100% यही पर, इधर इच, इसी समय, यही टाइम। फ्रेंड्स टिल देन डोंट वरी बी हैप्पी, सायोनारा। और हाँ याद रखना कल 2 अक्टूबर है, एंड वी आर हैविंग द महात्मा क्विज कॉन्टेस्ट। जो भी ये क्विज जीतेगा वो होगा मेरा स्पेशल गेस्ट। यस, उसे मैं स्टूडियो में इनवाइट करूंगी और उससे करूंगी ढेर सारी बातें। सो बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टुमारो एट 9। बाय। ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर क्या है? ड्राई डे है भाई, स्टॉक लेके रखने का क्या? ड्राई डे काय को? कोई आईडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूंगा, टेंशन क्या लेते। बर्थडे है भाई 2 अक्टूबर का, ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी। अरे वो नोट वाला? करेक्ट। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है,
बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई। हाँ? आर्मी में था क्या भाई? यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना। देख कल ना रेडियो के ऊपर बापू के बारे में क्विज है। हाँ। अगर अपन वो क्विज जीतेगा ना। हाँ। तो जानवी से मिलने का चांस है यार। भाभी से? भाई समझो, हो गया हो गया हो गया। ये सर्किट। हाँ भाई। शर्ट कौन सा पहनू यार? भाई शर्ट का टेंशन नहीं लेना, रेडियो में शर्ट दिखता ही नहीं। अरे करेक्ट यार। भाई भाई अपना आवाज पे ध्यान दो भाई, आवाज पे। हाँ। आवाज में वजन होना चाहिए। हाँ। भाई भाभी को इम्प्रेस करने का ना, वजन। हाँ भाई वजन, बाकी अपन सब संभालेगा। हाँ। जानवी जी मैं मुरली प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डरने का नहीं रे, सिंपल है एकदम। देख भाभी जी है ना, रेडियो पे ना बापू के बारे में सवाल पूछेंगे, तुम लोगों को जवाब देने का है कि नहीं? जितना करेक्ट जवाब देगा उतना प्राइज उठाने का। देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। ये प्रोफेसर, तू कॉलेज जाएगा ना तो ये तेरे घर पे जाएगा तेरी वाइफ को हेलो बोलने के लिए। हम जो चाहे ले सकते हैं? जवाब दे दे अच्छे से, फिर जो चाहे वो ले ले, ये मिक्सर ले ले, तवा ले ले, गैस ले ले। जानवी जी आपकी आवाज अपन को येड़ा बना देती है। भाई येड़ा नहीं बोलने का भाई, ये तो खाली पीले अपने को टपोरी समझेंगे वो। ये प्रोफेसर लोग जो बोलेंगे ना बिल्कुल वो ही बोलने का। ए फोन निकाल, फोन निकाल। हां भाई नंबर लगा चल 22666888 और रीडायल पे रखने का। जैसे भाभी ने सवाल पूछा ना वैसे ही बटन दबा देने का, किसी और का फोन लगना इसलिए मांगता है। ये तेरी तो तू क्या कर रहा इधर? शादी अभी तक की नहीं, सच बात तो ये है जानवी जी कि कोई जमी नहीं। भाई आ जाओ। ये आलम वॉल्यूम बढ़ा दे। हर कॉलर से मैं तब तक सवाल पूछूंगी जब तक कि वो कोई गलत जवाब ना दे, और हाँ जिसने भी 10 सही जवाब दिए वो होगा हमारा विनर। सब अपने अपने फोन के पास तैयार रहे, नंबर है 22666888। मेरा पहला सवाल, गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उनके दोस्त किस नाम से बुलाते थे? लग गया भाई। सवाल खत्म होने से पहले ही पहला कॉल। हेलो हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हेलो, ये वाला लगा था भाई, वो दिखा रहा क्या? फोन दे। हेलो हेलो, हू इज दिस? अपन मुरली प्रसाद शर्मा। सो मुरली व्हाट्स द राइट आंसर? भाई हां बोल। भाई भाई, अरे बोलना भाई भाई। अबे तेरी तो दूर के रख। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनके दोस्त भाई कहकर संबोधित करते थे। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है मुरली। आर यू श्योर? सोच के बोलिएगा। बिल्कुल नहीं तो ये भाई लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे। 100% श्योर। हेलो हेलो, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भाई के नाम से संबोधित किया जाता था। Well, that's a right answer. Congratulations. अब मैं आपसे तब तक सवाल पूछूंगी जब तक कि आप कोई गलत जवाब ना दे। उसका कोई चांस नहीं है जानवी जी। दूसरा सवाल, गांधी जी के कितने बच्चे थे और उनके नाम क्या थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। अरे वो बड़े बेटे का नाम था हरिलाल, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। कुकर मंगता था हरिलाल, कुकर मंगता था ना मणिलाल, रामदास, रामदास देवदास और देवदास। वाओ दैट्स एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू थैंक यू। अब तीसरा सवाल, गांधी जी के पास ऐसे कौन से हथियार थे जो हिटलर के पास नहीं थे? स्त्री। स्त्री? आई श्योर? अरे सत्य और अहिंसा। ए स्त्री देना। सत्य और अहिंसा। वेल डन मुरली। गांधी जी ने जब शादी की तो उनकी उम्र क्या थी? 13 साल। 13 साल, 13 इयर्स। ए संभाल ना, कस्तूरबा भी 13 साल की ही थी। भाई और भाभी दोनों 13 साल के थे जब उनकी शादी हुई थी। लाइफ का ट्रेजेडी देख यार, अपना भाई साला अभी तक कुंवारा है। अरे ये शोर कैसा है? हट हट छोड़। मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जरा नाराज हैं, बोल रहे हैं कि भाई की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी, तुम भी कर लो। ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। चुप, ठीक नहीं है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये नोटबुक बोल, तेरा नाम क्या रे? प्रोफेसर वेंकटेश वट्टिकुट्टी। देख रहे वट्टिकुट्टी, लाइफ में ना एक दूसरे का हेल्प करना मांगता है क्या? अभी तेरे पास बापू का फुल टू इन्फॉर्मेशन है, अपने पास नहीं है, इसके तो चाहिए ना मेरे को, है कि नहीं? अभी तेरे को कभी शकी लेड़ा, दगड़ू दादा, अफजल टोंडा, इन लोगों का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने आगे पूछना, अपन ना नहीं बोलेगा कसम से। अरे ज्ञान बांटना चाहिए रे, तू क्या अपने पास रखे सड़ा रहा है? ये गलत है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा।
कपड़ा गीला करना जरा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है, मैं बोलता हूँ। ड्रैग ले सुपर इसको, भाई जीत गया। और इस साल हमारे पहले ही कॉलर मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा ने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है। क्या बोलने का जानवी जी, अपन बापू का बहुत बड़ा फैन है। तो मुरली कल आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में, मैं आपसे मिलने को बहुत ही उत्सुक हूँ। बोले तो अपुन भी। गुड बाय मिस्टर शर्मा। गुड बाय जानवी। ये इंक्वायरी, भाभी जी किधर है? भाभी जी? बोले तो जानवी जी, माय सेल्फ मुरली प्रसाद शर्मा, कॉन्टेस्ट विनर, फर्स्ट आला, फर्स्ट फर्स्ट। ओह, शी इज वेटिंग फॉर यू ओवर देयर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहे हैं आप? अरे मैं मुरली प्रसाद शर्मा। Can't hear you, आप कहां से बोल रहे हैं? अरे इधर से बोल रहा हूँ, बाहर से। जी मैं चेंबूर से बोल रही हूँ। Okay, so कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? एक लड़की को देखा तो। Alright my friend from चेंबूर, your song's coming up right after this commercial break. ये सर्किट, हाँ चल निकल इधर से। भाई क्या हुआ भाई? आप उनको नहीं मिलने गए और उसको? पर काय को भाई? वो क्या है कि अपना फर्स्ट इंप्रेशन है ना, एकदम रॉन्ग हो गया यार। वो साउंड प्रूफ कांच के आगे साला अपन हेलो हेलो बोल रहा था। वो सोच रही होगी कि अपन कितना बड़ा मामू है यार। भाई मामू नहीं बोलेगा भाई, हाँ? आज का दिन खाली बापू बोलेगा, बापू। ये तीर तो लीकेज, चल भाग यहाँ से, भाग, अटैच है ना, चल बाहर जाके घर, बाहर झाड़ के नीचे, चल इमरजेंसी मीटिंग, चलो चल। वाट लग गया यार अपना। क्या हो गया भाई, भाभी क्या दिखने में अच्छी नहीं है? अरे नहीं रे, क्या दिखती है वो? ये बड़ी बड़ी आंखें और वो क्या बोलते हैं, वो जो बाल ऐसा जो गाल पे आकर गिरता है, शेंडी? नहीं रे, लट लट बोलते भाई। हाँ, लट लट, लट, लट। वो साला एक लट इधर गाल पे आकर हिल रहा था, प्यार से टच कर रहा था गाल को यार। फिर 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 ना उसने अपनी उंगली से वो लट को उठाकर अपने कान के पीछे बैठा दिया। अपुन तो उधर ही बैठ गया साला। क्या भाई तुम क्या कम है किसी से, तुम भी किसी के कान के नीचे एक हाथ मारता तो वो भी बढ़ जाता ना। भाई टेंशन नहीं लेने का, फुल कॉन्फिडेंस में जाने का और एकदम विनम्र के साथ बात करने का। ये साला विनम्र कौन है? विनम्र हिंदी में बोले तो पोलाइट। वो प्रोफेसर बोला मेरे को भाई, उसने बोला कि बापू ने ना विनम्र के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए। तेरी तो थोड़ी देर रोके सकते क्या तू? देख अपुन तेरे को फुल विनम्र के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रोक के रख, हम लोग की मीटिंग की काय को वाट लगा रहा है। अपुन भी बोले तो क्या विनम्र, विनम्र करता है कि विनम्र के साथ काम होता मेरे को मालूम है। चल आगे बोल। अच्छा और भाई अपना हिंदी है ना थोड़ा संभाल के बोलने का, जैसा अभी बोलने का ना कि अपना देश का वाट लगे ली, तो बोलने का कि देश की दुर्गतियों के लिए। और भाई ना भारी भारी वोट फेंकने का, जैसा हृदय परिवर्तन, हाँ। आत्मा संतुलन ऐसा। और बोल। और भाई बापू के बारे में ना एकदम कम बात करने का, अभी क्या बापू के बारे में आप लोग कुछ मालूम नहीं है ना, अपनी तो वाट लग जाएगी ना, वो दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति। तो बापू के बारे में तेरी होने पे। तुम मुरली प्रसाद शर्मा हो? अपुन विनम्र है। तो मुरली प्रसाद शर्मा कौन है? अरे अपुन है। तो विनम्र कौन है? अरे तेरे को कौन मानता है? मुरली प्रसाद शर्मा जानवी मैडम से ढूंढ रही है। तो बाजू हटना मामो। क्या मजबूत कर रहे हैं? ए, रेडियो चल कर, रेडियो बाहर आ रहा है। गुड मॉर्निंग मुंबई, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो। और आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा। आप गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बोले तो अपुन बापू का बहुत बड़ा फैन है। क्या आदमी था वो, अकेला लाठी दिखाकर अंग्रेजों को बोला आउट, मतलब वाट लगा दिया उनका। वाट नहीं, दुर्गति, दुर्गति। What a man.
क्लास है? ये साड़ा मुन्ना तो नहीं है? हाँ जी। आवाज बढ़ा दे। पर क्या आपको नहीं लगता कि लोग आजकल उन्हें भूलते जा रहे? बिल्कुल नहीं। आज भी उनके ऑनर में 2 अक्टूबर को ड्राइडे रखते। अगर ड्राइडे नहीं भी हो ना तो भी अपन दारू को हाथ नहीं लगाते। नो जोक्स अपार्ट, क्या आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? चलता है ना, अपन 3 किलोमीटर रोज चलता है महात्मा गांधी रोड के ऊपर। मेरा मतलब है कि आप उनके आदर्शों पे चलते हैं। टोटल अपन क्या एक बोले तो गांधीगिरी में नंबर 1 है। यू मीन आप गांधीवादी हो, राइट? टोटल। और आप? मैं नॉट रियली, पर मुझे उनकी कुछ कुछ बातें अच्छी लगती हैं। जैसे? जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, अपन को रेगुलरली मिलना चाहिए ना। आप कभी झूठ नहीं बोलते? यू नेवर लाई? एक टाइम बोला था 92 में। क्या है कि एक बच्चे का अटनी खो गया था, बहुत रो रहा था, अपन ने उसको अपना अटनी दिया और बोला कि तेरा है रख ले। मेरी गल नोट कर, ये पॉलिटिक्स में जा रहा है। अच्छा आप करते क्या हैं? अपन प्रोफेसर है। प्रोफेसर? हाँ, बच्चों को इतिहास सिखाता ना। आई मीन पर आपकी भाषा। अब क्या करेगा, अखे कंट्री की भाषा की वाट बत्तबे के दुर्गति हो गई लिए। प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं, बोलेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया तो ऐसा लगता है कि साला किसी को हार्ट अटैक आ गया। यू मीन आप जानबूझकर ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्टूडेंट्स के समझ में आए? करेक्ट, इसलिए अपने क्लास में सब फर्स्ट आता है, सारा सेकंड कोई आता ही नहीं है। वेल अपन भी आज से ऐसे ही बोलेगा। बोले तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को कौन सा सॉन्ग सुनाने का है मामू? कोई भी मस्त आइटम नंबर। फैंटास्टिक शो रियली प्रोफेसर, होप मेरे बच्चों ने सुना। आपके बच्चे? यस, 6 बच्चे मेरे। भाई भाई अभी अपन चलते। अपन सरकेश्वर वो स्टूडेंट है प्रोफेसर साहब का। ऑलराइट, पुल अप अ चेयर, बैठिए ना। बैठ ना, बैठ। मीट माय चिल्ड्रन, क्यूट है ना? ये देख, ये देख। अरे ये अच्छा, ये सभी आपकी तरह गांधीगिरी में एक्सपर्ट हैं। कौन है ये लोग? मेरे दादाजी के कॉलेज फ्रेंड्स, जिनकी भी अपने बच्चों से नहीं बनती, दादू ने घर ले आते हैं। ये आपके घर में रहते हैं? दादू ने घर का नाम ही सेकंड इनिंग्स होम रखा है। उनका कहना है कि दोस्तों लाइफ का लास्ट ओवर है, फ्रंट फुट पे खेलो। करेक्ट। मस्त है तुम्हारा दादू, मिलना मांगता उसे। एक्चुअली क्या आप उनके लिए गांधी जी पर लेक्चर दे सकते हैं? गांधी जी पे लेक्चर? यस दे लव इट। हाउ अबाउट फ्राइडे? कॉलेज जाने गए तो फिर सैटरडे ट्यूशन है ना? सो संडे डन, दैट्स ग्रेट। सो आई विल सी यू ऑन संडे। I have to rush now. मेरा सातवां बच्चा आ जा रहा है। Okay, bye. See you. Thank you. Thank you.